भारत और कनाडा के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर फिर से आरोप लगाते हुए कहा कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट सीधे तौर पर शामिल थे। इन आरोपों के बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और उन्हें शनिवार 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत ने यह फैसला खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में जोड़ने के बाद लिया है। हालांकि एमईए से चर्चा के बाद कनाडाई अधिकारियों का कहना है कि हमारे नेशनल टास्क फोर्स और अन्य जांच के जरिए आरसीएमपी ने कई सबूत प्राप्त किए हैं। भारत ने कनाडा के जिन राजनयिकों को निष्कासित किया है, इसमें एक्टिंग उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, डिप्टी उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी मैरी कैथरीन जोली, फर्स्ट सेक्रेटरी लेन रॉस डेविड ट्राइटस, फर्स्ट सेक्रेटरी एडम जेम्स, फर्स्ट सेक्रेटरी पाउल ओजुएला का नाम शामिल है। और इन सभी राजनयिकों को 5 दिनों में यानी शनिवार 19 अक्टूबर को रात 11:59 तक भारत छोड़ने को कहा गया है। यानी 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले इन सभी को भारत छोड़ना होगा। तो भारत का ये कड़ा फैसला पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस आरोप के बाद। आपको बता दें कि एमईए कार्यालय से बाहर निकलते हुए व्हीलर ने कहा कि भारत को अपने दावों का पालन करना चाहिए जो उसने ओटावा में आरोपों के संबंध में लिया था। व्हीलर ने दावा किया कि कनाडा ने प्रमाणित और अप्रमाणिक सबूत पेश किए हैं कि भारतीय सरकार के एजेंटों का कनाडाई नागरिक की हत्या में हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के हित में है कि वो इस मामले की तह तक जाएं। कनाडा इस मामले में भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। कनाडा ने सोमवार को भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को निज्जर हत्याकांड में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित किया। इस पर भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए इन आरोपों को बेतुका बताया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडाई सरकार ने भारत की संलिप्तता का एक भी ठोस प्रमाण नहीं दिया, जबकि बार बार अनुरोध किया गया था और प्रधानमंत्री ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति करने और कनाडाई जमीन पर अलगाववादी एलिमेंट से निपटने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार शाम कनाडाई कार्यवाहक डिप्लोमेट को तलब किया और उन्हें सूचित किया कि भारतीय हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स के खिलाफ बिना किसी सबूत के आरोप लगाया जाना अस्वीकार्य है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि इस तरह के आरोपों की वजह से उग्रवाद और हिंसा का माहौल पैदा हुआ है जिससे हमारे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा खतरे में है। इससे पहले कनाडा में भारत के उच्चायुक्त को वापस लेने की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार की कार्रवाई से राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आपको बता दें कि पिछले साल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना सबूत के निज्जर की हत्या को लेकर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया है। भारत लगातार इसके सबूत मांग रहा है लेकिन ट्रूडो शासन ने अब तक भारत को कोई सबूत पेश नहीं किए। वहीं एमईए ने कनाडाई डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग के बाद बयान में कहा था कि कनाडा से बार बार सबूत मांगने के बाद भी सबूत पेश नहीं किए गए। हालांकि कनाडाई डिप्लोमेट ने इसे खारिज किया था और अब पिछले साल के बाद एक बार फिर से कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट सीधे तौर पर शामिल थे, उसके बाद भारत ने ये कड़ा फैसला लेते हुए कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और उन्हें 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।